इंग्लैंड वुमेन एंड श्रीलंका वुमेन के बीच में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का नेक्स्ट मैच आज रात को 10:30 बजे से खेला जाएगा, कहाँ पे? द एजबेस्टन बर्मिंगम के ग्राउंड पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसी मैच के बारे में। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि इस मैच में कौन से प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के ट्रम्प प्लेयर्स होने वाले हैं, क्या आपको पता है इस वेन्यू पे जब जब मैचेस होते हैं कौन से प्लेयर इंग्लैंड वुमेन की तरफ से ज़्यादा अच्छे करते हैं, प्लस हेड टू हेड मैचेस में कैसा क्या होता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। बट उससे पहले इस मैच का फाइनल अपडेट टॉस के बाद आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना एकदम ऊपर वाला जो पिंड कमेंट होगा वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ वुमेन्स मैचेस ही नहीं जिम्बाब्वे एंड बांग्लादेश के बीच में जो सीरीज़ चल रहा है वो भी कवर कर रहे हैं, स्फाकिजा T20 भी कवर कर रहे हैं, और आज शाम को जो ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस होंगे वो भी तो हम कवर करने वाले हैं ना दोस्त, तो बिल्कुल टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, ठीक है। बाकी बात करेंगे वेन्यू स्टैट्स के बारे में, तो इस वेन्यू पे अब तक 10 वुमेन्स T20 के मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पे एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट 126 का तो सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 118 का रहा है, हाईएस्ट टोटल 157/3 जो कि वॉर्विकशायर वुमेन ने बनाया था लैंकाशायर वुमेन के अगेंस्ट 2016 में। अब इस वेन्यू पे इन दोनों टीम्स के बीच में इंग्लैंड वुमेन ही सिर्फ एक मैच खेले हैं जो कि जीते थे, ठीक है। श्रीलंका वुमेन अब तक इस वेन्यू पे एक भी मैच अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ रीसेंट मैचेस जो कि इस वेन्यू पे खेले गए हैं वो हम उठा के देखेंगे ताकि पता चल जाए कौन से रेंज में स्कोर बन रहे हैं, प्लस पेसर्स को ज़्यादा मदद मिल रहा है या स्पिनर को, ठीक है। कल रात को जो मैच खेला गया बारबाडोस वुमेन एंड पाकिस्तान वुमेन के बीच में, वहाँ पे 144/4 बना था जो कि यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन चेस नहीं कर पाए थे, बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता था, पेसर्स को 6 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को सिर्फ एक ही विकेट मिला था। बट उसके पहले जो इंडिया वुमेन एंड ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में कल मैच खेला गया था 154/8 गिरते पड़ते चेस हुआ था, ठीक है। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम को ज़्यादा फेवर कर रहा है पिच, और सेकेंड बैटिंग करने वाला टीम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। पेसर्स को 8 विकेट मिले थे उस मैच में, स्पिनर को 6 विकेट मिले थे, ठीक है। उसके पहले कुछ यहाँ पे T20 एंड द 100 के मैचेस खेले गए थे, जो वुमेन्स 100 होता है ना जो कि अगस्त से शुरू होगा फिर से, उसके मैचेस खेले गए थे, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से चेज हुआ, ये पिछले साल के हैं, ठीक है, अगस्त 2021 का। पेसर्स को 4 विकेट, स्पिनर्स को 6 विकेट। उसके पहले देखेंगे 129/9, यहाँ पे भी आसानी से चेज हुआ था पिछले साल, पेसर्स डोमिनेट किए थे अगेन, यहाँ पे देखेंगे 145/5 चेज नहीं हुआ, पेसर्स यहां पे भी डोमिनेट किए थे, 128/6 आसानी से चेज हुआ, पेसर्स 7 विकेट, स्पिनर्स 5 विकेट। उसके पहले 83/10 आसानी से चेज हुआ, पेसर्स 3, स्पिनर्स 9 विकेट। उसके पहले 124/6, 125/1 आसानी से चेज हुआ, पेसर्स 5, स्पिनर्स 2 विकेट। तो टोटल लास्ट 10 मैचेस को मैंने उठा के देखा है एंड ओवरऑल समरी जितना मुझे समझ में आया है कि पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 34 विकेट्स, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 24 विकेट, वही पेसर्स को सेकेंड इनिंग में 29 विकेट्स, तो स्पिनर को 10 विकेट्स मिले हैं। ओवरऑल 65:34 का रेशियो रहा है, ठीक है। अब पिछले साल जितने द 100 वुमेन्स के मैचेस खेले गए थे वहाँ पर ठीक ठाक चेजिंग हो रहा था, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था एंड उनको चाहिए था कि टिकट्स ज़्यादा सेल हो, इसलिए पिच पाटा था और यहाँ पे 100-100 बॉल्स के मैचेस हो रहे थे, ठीक है। अब देखिए अब जो मैचेस हो रहे हैं ना वो कॉमनवेल्थ गेम का है और कॉमनवेल्थ गेम के मैचेस में डायरेक्टली जो मेन पिच है वो यूज़ किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि एजबेस्टन का जो नॉर्मल बिहेवियर है पिच का वही आपको देखने को मिलेगा, जो कि वाइटलिटी ब्लास्ट पे हमने देखा लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम को थोड़ा सा ज्यादा फेवर मिल रहा था। अब बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 70-80 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे तो चेजिंग आसानी से होगा, बट 145-140 के ऊपर वुमेन्स मैच में इस वेन्यू पे चेस करना उतना आसान नहीं होने वाले हैं, ठीक है।
उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक एरो वाला बटन आपको दिखेगा ना, यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट एंड बाकी जितने भी डोमेस्टिक मेंस वुमेंस एंड इंटरनेशनल मैचेस शुरू होने वाले हैं उनके फाइनल अपडेट्स वहीं पे आते हैं। तो काइंडली टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा। अच्छा, एजबैस्टन बर्मिंगम का वेदर फोरकास्ट चेकआउट कर लेंगे। देखिए ये मैच खेला जाएगा लगभग शाम को 6 से 6:30 के बीच में ये मैच शुरू होगा, तब यहाँ पे बारिश के चांसेस नहीं हैं। फर्स्ट इनिंग काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत बारिश के चांसेस हैं बट उतना भी ज़्यादा बारिश नहीं है कि मैच अबंडन हो जाएगा। लगभग रात के 12 बजे या फिर 1 बजे के बाद भारी बारिश के चांसेस है बट तब तक तो मैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा मैच 40 ओवर का आपको देखने को मिल सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी ओवर कट हुआ तो एटलीस्ट 15 से 16 ओवर का मैच आपको देखने को मिलेगा, और वो भी सेकेंड इनिंग में जाके ओवर्स थोड़ा सा कट हो सकते हैं अगर होना होगा तो। अच्छा, अब लगे हाथ एडवेस्टन बर्मिंगम का जो वेन्यू डायमेंशंस है वो आप चेकआउट कर लेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो स्ट्रेट बाउंड्री है ना, एक साइड पे काफ़ी लंबा है, एक साइड पे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, अब साइड्स का बाउंड्रीज कंपेरेटिवली छोटा है, स्पेशली इस साइड का जहाँ पे 63 meters का बाउंड्री आपको दिखेगा जो कि सबसे छोटा बाउंड्री है पूरे ग्राउंड में, और इस साइड का 69 meters। मिड विकेट का बाउंड्रीज देखेंगे तो इस साइड का मिड विकेट का बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे अगर कोई लेफ्ट हैंड बैटर इस साइड को टारगेट करेगा सिक्स मारने के लिए तो काफ़ी आसानी से पार कर सकते हैं, बट इस साइड का बाउंड्री 76 meters का है जो कि सबसे ज्यादा बड़ा है पूरे ग्राउंड में, तो इस साइड से अगर कोई लेफ्ट हैंड बैटर बैटिंग करेगा तो दिक्कत होगा सिक्स मारने में। ठीक है, इस साइड का 71 meters और इस साइड का 70 meters है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में, तो इन दोनों टीम्स के बीच में आज तक 8 T20 मैचेस खेले गए हैं और आठों के आठों बार इंग्लैंड वुमेन ने ही जीत हासिल किए हैं। श्रीलंका वुमेन अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं इंग्लैंड वुमेन के सामने, लास्ट 5 मैचेस भी इंग्लैंड वुमेन ही जीते हैं। हालांकि इस वेन्यू पे कोई हेड टू हेड मैच आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में नहीं खेला गया है। अब रिसेंट कुछ हेड टू हेड मैचेस उठा के देखेंगे, 2019 को खेला गया था, 2-0-4-2 इंग्लैंड वुमेन ने बैट फर्स्ट किया था, श्रीलंका वुमेन 108 for 6। ठीक है, एमी जोन्स 57 किए थे, डैनी वाइट ओपन करते 51 किए थे, नैटी सीवर 49 नॉट आउट किए थे सिर्फ 24 बॉल्स पे, केट क्रॉस का 2 wickets, हीदर नाइट का 1 wicket, फ्रेयर डेविस का 1 wicket, ओशादी रणसिंघे 2 wickets निकाले थे श्रीलंका वुमेन की तरफ से। ठीक है, उसके पहले 108 for 6, 109 for 2 इंग्लैंड वुमेन ने आसानी से चेस किया, चमड़ी अट्टापट्टू 24, डैनी वाइट 37, एमी जोन्स 36, कैथरीन ब्रंट 2 wickets निकाली थी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, नैट सीवर का 1 wicket, हीदर नाइट का 1 wicket। ठीक है, उसके पहले 94 पे ऑल आउट श्रीलंका वुमेन, इंग्लैंड वुमेन फिर से आसानी से चेस किए थे, चमड़ी अट्टापट्टू 1 wicket निकाले थे, फ्रेया डेविस 2 wickets बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, नैटी सीवर का 1 wicket। उसके बाद पहले देखेंगे 85 for 9 एंड 86 for 3, उदयशिका प्रवर्धनी 1 wicket, हीदर नाइट 21, नैटी सीवर 1 wicket। ठीक है, इस मैच में और भी परफॉर्मर्स थे बट अभी वो ये दो टीम्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मैच 2014 को खेला गया था, कितना पुराना है आप खुद ही सोच सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे टॉस बेस्ड एनालिसिस के बारे में, कौन बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ज़्यादा अच्छा करता है, कौन कौन सेकेंड इनिंग में बैटिंग एंड बॉलिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। देखिए डैनी वाइट का इस वेन्यू पे, ठीक है, ये इस वेन्यू का मैं बता रहा हूँ, एजबैस्टन बर्मिंगम में एक ही इनिंग खेले हैं, बैट फर्स्ट किए थे, 0 run बना के आउट हो गए थे। ठीक है, हीदर नाइट फर्स्ट बैटिंग 2 times किए हैं इस वेन्यू पे, 22 run और 1 wicket निकाले थे, सेकेंड बॉलिंग करते हुए 1 wicket आया था और यहाँ पे 8 run किए थे, 0 wickets। ठीक है, हालांकि सेकेंड बैटिंग एंड फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 1 wicket एंड 21 run किए थे। नैटी सीवर फर्स्ट बैटिंग इस वेन्यू पे 2 times किए हैं, 27 run और 4 run किए थे, सेकेंड बॉलिंग करते हुए 1 wicket आया था, सेकेंड बैटिंग एंड फर्स्ट बॉलिंग नहीं किए हैं इस वेन्यू पे। एमी जोन्स फर्स्ट बैटिंग 2 times किए हैं, 1 times 33, 1 times 1 run, सेकेंड बैटिंग में 1 times 1 run और 1 times 6 run। ठीक है, कैप्सी सेकेंड बैटिंग 1 times किए हैं जहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 1 wicket निकाले थे, प्लस 14 runs किए थे। कैथरीन ब्रंट
फर्स्ट बैटिंग एंड सेकेंड बॉलिंग करते हुए 2 विकेट और 1 विकेट निकाले थे, ठीक है। इजी वोंग का देखिए, फर्स्ट बैटिंग एंड सेकेंड बॉलिंग करते हुए 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, यहाँ पे 11 रन हैं। और फर्स्ट बॉलिंग जब जब किए हैं 1 विकेट निकाले हैं प्लस 27 रन भी किए हैं, तो फर्स्ट बॉलिंग करते हुए इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। सारा ग्लेन का देखेंगे, सेकेंड बॉलिंग एक ही इनिंग में खेले किए हैं और 1 विकेट निकाले हैं। बाकी ब्रायन स्मिथ है जो कि इस वेन्यू पे सेकेंड बॉलिंग एक बार किए हैं, विकेटलेस गए हैं, बट फर्स्ट बैटिंग करते हुए 38 किए थे, ठीक है। अब इंग्लैंड वुमेन टीम के बारे में बात करेंगे, तो इनका प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर एंड प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे डैनी वाइट के साथ सोफी डंकले ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि सोफी डंकले को बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड के टीम मैनेजमेंट एंड इनको ग्रो करने का बहुत मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सोफी डंकले आपके लिए बहुत ही सेफ वाइस कैप्टन ऑप्शन होने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रुक के खेलते हैं, आते ही मारने का कोशिश नहीं करते। इनको दिक्कत है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर से। अब श्रीलंका वुमेन टीम में कौन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं जो सोफिया डंकले को पावर प्ले में एकदम शुरुआत में दिक्कत दे सकते हैं, वो मैं जब श्रीलंका वुमेन टीम का लाइनअप डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। डैनी वाइट को थोड़ा सा दिक्कत है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से, बट अगर आप श्रीलंका वुमेन टीम को अच्छे से उठा के देखेंगे ना, कोई ऐसा कोई मेन आउट एंड आउट फास्ट बॉलर आपको नहीं दिखेंगे जो डैनी वाइट को अपने पेस से दिक्कत दे सके। डैनी वाइट का रीसेंट फॉर्म डिसेंट रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। ब्रायन स्मिथ नंबर 3 पे खेल सकते हैं, या फिर नैटी सीवर का मौका बन सकता है नंबर 3 पे, जो कि जेन्युइनली नंबर 3 पे ही खेलती हैं, ठीक है। ब्रायन स्मिथ जनरली थोड़ा सा नीचे आते हैं। नैटी सीवर का रीसेंट फॉर्म नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, वो बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं एंड कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार होने वाले हैं। हीदर नाइट रिसेंटली बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, बैटिंग से ही कुछ हद तक जो परफॉर्मेंस दिए हैं वो आप देख ही सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, नंबर 4 से 5 तक बैटिंग करेंगे, फिर विकेट कीपर बैटर एमी जोन्स एंड ए बाउचर आएंगे जो कि नीचे आके फिनिश करते हैं। ये दोनों ही बैटिंग फर्स्ट करते हुए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बैटिंग सेकेंड में आप अवॉइड कर सकते हैं। कैथरीन ब्रंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर और रीसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है, पिछले 3 मैचेस में 8 विकेट निकाल चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेयर डेविस हिट टू हिट रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया, हर बार इनका नाम आ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मुझे लगता है प्लेइंग 11 में इनको मौका मिलेगा। रीसेंट फॉर्म देखेंगे, पिछले 3 मैचेस में 4 विकेट निकाले हैं। सोफी एसलेस्टोन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अ वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सामने बहुत ही ज़्यादा राइट हैंड बैटर्स होने वाले हैं, प्लस बैटिंग ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। श्रीलंका वुमेन टीम का बैटिंग वीक है, इसलिए एसलेस्टोन बहुत अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन आपके लिए ग्रैंड लीग में होने वाले हैं। सारा ग्लेन भी सेम लॉजिक है, लेग ब्रेक बॉलर, सामने राइट हैंड बैटर ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे विकेट निकाल रही हैं रिसेंटली, आप देख ही सकते हैं पिछले 4 मैचेस में 2+1=3, 7, 9 विकेट निकाल चुके हैं, ठीक है। बेंच में आपको फ्रेया कैम दिखेंगे जो कि ज़्यादा मौका इनको अब तक नहीं मिला है, लास्ट ODI में मौका मिला था, अब लास्ट ODI में जब खेले थे 1 विकेट निकाले थे, उसके पहले बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस आया है, फर्स्ट मैच में शायद इनको मौका ना मिले। एलिस कैप्सी भी अनलाइकली है कि फर्स्ट 11 में स्टार्ट करेंगे, केट क्रॉस को मौका मिल सकता है सीधे प्लेइंग 11 में, अब आएंगे तो ब्रायन स्मिथ के जगह आ सकते हैं, बट ब्रायन स्मिथ अगर प्लेइंग 11 से जाएंगे तो उनका जो इंग्लैंड वुमेन टीम का बैटिंग ऑर्डर है और थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा वीक हो जाएगा, बट वो ये रिस्क ले सकते हैं क्योंकि सामने जो श्रीलंका वुमेन है वो ज़्यादा स्ट्रांग टीम है नहीं, इंग्लैंड वुमेन को भी पता है, ठीक है। इजी वोंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर खेलेंगी सीधा हमारे टीम में होंगी, ये एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है जो कि अपने पेस से दिक्कत दे सकते हैं सामने वाले टीम को, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका वुमेन टीम के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वी गुणरत्ने के साथ हसीनी परेरा ओपनिंग करते हुए। अब देखिए, वी गुणरत्ने डोमेस्टिक सर्किट में ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दिए हैं, उतना भी खास नहीं, हसीनी परेरा कब चलेंगे कोई नहीं बोल सकता, इनको दिक्कत है राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर से, क्योंकि ये है लेफ्ट हैंड बैटर, ठीक है, और सामने राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर ज़्यादा नहीं है, तो ये थोड़ा सा अगर कैथरीन ब्रंट को संभाल लेती है ना तो ठीक ठाक इनिंग आपको खेल के दे सकते हैं लगभग 20 से 25 रन का, बट दोनों को ही दिक्कत होगा कैथरीन ब्रांड से, क्योंकि दोनों ही पेस से थोड़ा बहुत घबराती हैं। चमारी अत्तपत्तू आएंगे नंबर 3 पे, टीम के मेन बैटर एंड पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक बॉलिंग डाल लेते हैं। हर्षिता माधवी चमारी अत्तपत्तू के बाद अगर मुझे कोई रिलायबल बैटर लगते हैं फिर तो हर्षिता माधवी है, उसके बाद आते हैं नीलाक्षी डिसिल्वा, ये तीनों इनके तरफ से मेरे हिसाब से मेन बैटर्स होने वाली हैं, ठीक है।
तो अगर आप बैटर्स ले रहे हैं श्रीलंका वुमेन टीम से तो आतापत्तु को तो लेना ही है, उसके साथ साथ नीलाक्षी डिसिल्वा के ऊपर स्पेशल अटेंशन देना है, फिर हर्षिता माधवी आते हैं, ठीक है। कविश्का दिलहाड़ी कभी परफॉर्मेंस देंगे ऐसे 49-47 करके और कभी 2-0-5 रन बना के भी आउट हो जाएंगे, बट ये राइट हम ऑफ ब्रेक डालेंगे और कंप्लीट ओवर्स डाल लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे। अनुष्का संजीवनी टीम के विकेट कीपर बैटर, फिर एमा कंचन आते हैं जो कि नीचे आके पावर हिटिंग करते हैं, प्लस राइट हम मीडियम फास्ट बॉलिंग डालेंगे। औषधि राणा सिंह टीम के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉलर्स में से आते हैं जो कि काफी कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हैं, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, तो कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हैं, प्लस अगर बैटिंग आया तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो चमड़ी अट्टापट्टू के बाद जो बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो औषधि राणा सिंह होंगे। फिर इनोका रनवेरा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, जैसे कि मैं बोल रहा था जब इंग्लैंड वुमेन का मैं टॉप ऑर्डर डिस्कस कर रहा था, सोफी डंकली को ये थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि रनवेरा ज़्यादातर अपने ओवर्स ना पावर प्ले में ही डालेंगी, इनका मिडिल ओवर्स में एक आधा ओवर बचा हुआ रहता है और ज़्यादातर ओवर्स ये पावर प्ले में ही डालती हैं, डेथ में इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर कुला सूर्या आ जाते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, उतना खास परफॉर्मेंस लेटली नहीं किए हैं। रश्मि डिसिल्वा आपको दिख जाएंगे जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, बेंच में दिखेंगी। फिर मेलशा शेहानी आपको दिखेंगी जो कि बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस दिए हैं। उदेशिका प्रवर्धनी एक बॉलर हैं जो कि कंसिस्टेंटली इनके प्लेइंग 11 में खेलती हैं बट रिसेंटली विकेट्स नहीं निकाल पाई हैं ज़्यादा, यहाँ पे 2 विकेट तो निकाले हैं बट यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 0 0 0, तो आप खुद ही देख सकते हैं पिछले 7 से 8 मैच में सिर्फ एक मैच में 2 विकेट निकाले हैं। फिर सुगंधिका कुमारी आ जाती हैं और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, बट इनका भी दिक्कत यही है कि विकेट्स कंसिस्टेंटली नहीं निकाल पाती हैं, ठीक है। कीपिंग सेक्शन में आएंगे, देखिए मैं यहाँ पे एक टीम कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ जो कि स्मॉल लीग का है और स्मॉल लीग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड वुमेन टीम का जो बॉलर्स है ना उनको लेना चाहूँगा अपने टीम में भर भर के, क्योंकि मुझे पता है श्रीलंका वुमेन टीम जो है ज़्यादातर ऑल आउट ही होने वाले हैं, तो ज़्यादा पॉइंट्स हमको इंग्लैंड वुमेन के बॉलर्स ही देने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं चार प्लेयर्स श्रीलंका वुमेन के तरफ से लूँगा एंड उनमें से एक होने वाले हैं अनुष्का संजीवनी जो कि मिडिल ऑर्डर में मुझे बैटिंग करके देंगी प्लस विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देंगी। एमेजोन्स वैसे ही नीचे आती हैं, कितना बैटिंग मिलेगा आई डाउट, कैचेस स्टंपिंग से आपको थोड़ा बहुत पॉइंट्स बिल्कुल दे सकते हैं बट वो कितना होगा उससे बेहतर मेरे हिसाब से इंग्लैंड वुमेन के बॉलर्स ही लेना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब बैटिंग सेक्शन से हीदर नाइट को मैं नहीं लूँगा, काफ़ी नीचे बैटिंग कर रही हैं फिलहाल और बॉलिंग भी नहीं डाल रही, मुझे फोकस करना है और हमको फोकस करना है शुरू से कि इंग्लैंड के जो टॉप ऑर्डर है वो जैसे कि डैनी वाइट एंड सोफी डंकले एंड इंग्लैंड के मेन बॉलर्स। इंग्लैंड के मेन बॉलर्स कौन कौन होने वाले हैं, इधर से नैटी सीवर होने वाली हैं, इधर से कैथरीन ब्रंट तो मुझे नहीं दिख रही हैं, बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, हाँ कैथरीन ब्रंट इधर, सोफी एसलेस्टोन, फिर इधर से थोड़ा सा नीचे आएंगे केट क्रॉस, इजी वोंग में से कोई एक खेलेगा वो, या फिर सारा ग्लेन सीधे सीधे हमारे टीम में आ जाएंगी। फ्रेयर डेविस को भी आप चाहे तो ले सकते हैं, अब फ्रेयर डेविस केट क्रॉस एंड इजी वोंग में से कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेंगे आपके टीम में सीधे सीधे आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा 7 प्लेयर जो है इंग्लैंड वुमेन से हम ले चुके हैं, अब 4 प्लेयर्स हमें लेना है श्रीलंका वुमेन से। अब देखिए चमड़ा आतापट्टू एक डिफ़ॉल्ट पिक हो जाती हैं, कविश्का दिलहाड़ी को आप ट्राई कर सकते हैं बट मैं फिलहाल लेना चाहूँगा औषधि राणा सिंह को जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब 9 क्रेडिट्स हमारे पास है, 9 क्रेडिट्स में हम किनको लेंगे, यहाँ पे नीलाक्षी डिसिल्वा जो कि बहुत ही बढ़िया बैटर लगते हैं, नीचे आके काफ़ी अच्छा स्कोर करके हमेशा देते हैं चाहे ODI मैच हो चाहे T20 मैच हो। फिलहाल के लिए ये रहा हमारा स्मॉल लीग का टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन पिक इस मैच में नैटी सीवर जो कि नंबर 3 से 4 तक बैटिंग करेंगी, ज़्यादातर नंबर 3 पे ही आती हैं, प्लस 4 ओवर बॉलिंग, तो सेफ सुथरा आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। वाइस कैप्टन के लिए मैं कैथरीन ब्रंट को देना चाहूँगा, स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करती हैं तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एज अ वाइस कैप्टन। आप बिल्कुल यहाँ पे एसलेस्टोन के साथ जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, सेफ बहुत लोग चमड़ी अत्तापत्तू को लेके आएंगे एज अ वाइस कैप्टन, बिल्कुल आप जा सकते हैं बट मुझे नहीं लगता ये 15-20 रन से ज़्यादा बना पाएंगी और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इंग्लैंड वुमेन के 1 से 2 बॉलर आपको ज़्यादा पॉइंट्स ही देके जाएंगे, तो फोकस आपको इंग्लैंड वुमेन के क्वालिटी ऑलराउंडर जैसे कि नैटी सीवर एंड बॉलर्स पे ज़्यादा करना है, ठीक है। जो भी हो जैसा भी हो फाइनल अपडेट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एकदम ऊपर पिन किया हुआ दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है।